दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंद्रह बाई साठ हाउस प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन सा प्लान मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपको फ्रंट में एक दुकान भी मिलती है सॉफ्ट भी मिलती है जिसमें आप रख सकते हैं और इसका पूरा मकान मैंने डिजाइन किया है जहाँ पर आप रह कर एक बेहतरीन सा ये पूरा मॉडल मैंने थ्री साइड क्लोज है दोस्तों मैं बता दूँ फ्रंट में सिर्फ ये ओपन है और चारों तरफ से ये क्लोज मॉडल है पंद्रह बाई साठ फिट में तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर उस मॉडल को डिजाइन किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक इस्माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें साथ साथ वेलाइकन जरूर दबा दें इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख देख सकें स्माल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड आप वीडियो मिलते हैं नए नए मॉडल्स मिलते हैं जो आप देखकर बनवा सकते हैं एक नया आपको आइडिया मिल जाता है घर बनवाने से पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लगातार अपडेटेड वीडियो पाते रहें तो जो आज का मॉडल है पंद्रह बाई साठ में मैं उसे पहले जूम करके आपको दिखाता जिससे आपको रियलिस्टिक व्यू मिले ये देखिएगा इसका जूम ये राउंड कलर का मैंने यहाँ पर रेलिंग क्रिएट किया है छोटा सा और सॉफ्ट भी क्रिएट किया और ये आपको विंडो भी मैंने दिया है जो कि आपका बेडरूम में कवर्ड है अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें ग्राउंड फ्लोर की तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो कि ये आप देख पा रहे होंगे स्टेयर से ये आपकी शॉप है दुकान है जहाँ से शटर लगा हुआ है आप शटर को ओपन करके अपनी दुकान चला सकते हैं इसके बाद तो ये स्टेयर्स दिया चढ़ने के लिए जो कि लगभग पाँच फिट अंदर से मैंने मेन डोर लगाया है इससे आप चढ़ कर जाएंगे और मेन डोर से एंट्री करते हैं ये कुछ डिजाइनिंग के पार्ट मैंने अंदर से लगाए हैं इसके बाद आप गैलरी में एंट्री कर जाते हैं देखिए गैलरी आ गया और जो शॉप था जो फ्रंट का शॉप था उसको मैंने डोर दिया है गैलरी से अगर आप अंदर से शॉप में आना चाहें तो इस डोर से एंट्री कर सकते हैं इसका एक गैलरी मिलता है इसके बाद आगे, आगे आपको स्टेयर्स मिलती है इधर से चढ़ने के लिए आप चढ़ते चले जाएंगे और टर्न होंगे फिर से बाहर की तरफ आ जाते हैं तो ये आपकी स्टेयर कवर जो हो जाती है उसी के नीचे स्टेयर के नीचे और थोड़ा और चार फिट आगे कवर करके मैंने लेट एंड बाथ कमांड यहाँ पर क्रिएट कर दिया स्टेयर के नीचे वाला एरिया भी आपका इसी में कवर हो जाएगा और चार फट मैंने एक्स्ट्रा भी और लिया है जिससे आपका बड़ा सा लेटर बाद बन जाता है ये डोर दिया गैलरी से इसके बाद आप आगे बढ़ें तो ये आपका किचन एरिया है जस्ट देखिएगा और ये किचन एरिया के बाद ये आपको बड़ा सा हॉल मिलता है लॉन मिलता है आपके घर के अंदर मैंने यहाँ पर बेडरूम भी क्रिएट कर सकता था लेकिन मैंने ग्राउंड फ्लोर पर नहीं किया है क्योंकि आपको वेंटिलेशन होता रहे आप यहाँ जाल रखवा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से पूरा घर वेंटिलेट होता रहेगा सबसे पीछे आपका एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है इस घर में एक शॉप सबसे ग्राउंड फ्लोर पर इसके बाद स्टेयर्स इस लेटर बाथ और किचन फिर बड़ा सा लॉन और बेडरूम मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर अब ये तो होगी ग्राउंड फ्लोर की, की बात अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सबसे पीछे वाला बेडरूम सिमिलर है इसके बाद ये वाला छोटा लॉन कर दिया मैंने अब जो पर किचन था उसे हटाकर एक बड़ा सा बेडरूम क्रिएट कर दिया है तो ये आपका किचन का एरिया भी कवर्ड हो गया और यहाँ पर जो आपको लॉन था उसमें भी थोड़ा कवर हो गया तो ये बड़ा सा आपको एक बेडरूम मिलता है इसके बाद लेट एंड बाद फिर से वहीं मिलता है स्टेयर्स के नीचे और जो आपकी शॉप थी उसको अब ये कन्वर्ट कर दिया है मैंने रूम में इसीलिए डोर देखिए बाहर डोर कह सॉरी विंडो दिया है मैंने बाहर से वेंटिलेशन के लिए और ये डोर यहाँ से तो ये आपका एक बड़ा सा बेडरूम भी बन जाता है और इस डोर से बाहर आएंगे तो ये राउंड कलर की रेलिंग मैंने यहाँ पर दे रखी है आप बालकनी यूज कर सकते हैं एज ए बालकनी तो यहाँ पर तीन बेडरूम मिलते हैं और गैलरी मिलती है लेट एंड बाथ मिलता है और ये आपका मिल जाता है लॉन लास्ट फ्लोर की बात करें तो लाइफ फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया है ये गुमटी बना दी और स्टैच को ढकने के लिए फर्स्ट वाला बेडरूम जो था उसे बना के रखा है चारों तरफ साढ़े तीन फिट की बाउंड्री है और ये पूरा मैंने छत बना दिया ओवरऑल तो पंद्रह बाई साठ फिट में पूरा मैंने मकान डिजाइन कर दिया है तो मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं साथ वीडियो लाइक शेयर जरूर करें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मैंने पेड सर्विस से स्टार्ट किया है दोस्तों अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सअप नंबर है कांटेक्ट करें लेकिन वहाँ पर आपको फिफ्टी पेमेंट एडवांस देना होता है फिफ्टी बाद में फॉर वॉचिंग